बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। हमने एक नया भाग आरंभ किया था पारिभाषिक शब्दावली। अब तक हमने पारिभाषिक शब्दावली के अलग अलग आयामों पर चर्चा की थी, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा या संकल्पना कैसे आई, पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य क्या है, उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली का संक्षिप्त इतिहास देखा, पारिभाषिक शब्द की परिभाषाएं देखी, 9 परिभाषाएं, उसके उपरांत पारिभाषिक शब्द के 7 लक्षण देखें, उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली के लगभग 13 विशेषताएं देखी। आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। आज की इस तासिका में थोड़ा हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना है मुझे 10 बजे से पहले, तो मैं बराबर 9:45 पर आज की तासिका समाप्त करूंगा। ठीक है सर, कौन सी परीक्षा है? परीक्षा बीए फर्स्ट ईयर की चल रही है ना, परीक्षा है तो उसकी ड्यूटी के लिए मुझे जाना है आज ऑनलाइन। हमारी कब है? आपकी हो गई ना पूरी? हाँ हाँ, प्रथम वर्ष की हुई है। हाँ हाँ, वो नहीं, अगले सत्र की जब होगी तब होगी, अभी अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। आपने द्वितीय वर्ष के प्रथम सत्र की दी ना परीक्षा, द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र की दी ना? हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, वो 3 मई से क्या कुछ तो था ना, वो द्वितीय वर्ष के मतलब प्रथम वर्ष के छात्रों के थे। हाँ, प्रथम वर्षों के रह गए थे ना, उनकी देर से शुरू हुई थी ना परीक्षाएं। ठीक है, अब आपने म्यूट कीजिए, आपको अपने आपको म्यूट कर दीजिए। ठीक, तो देखिए कि जब हम पारिभाषिक शब्दावली का इतिहास देखते हैं तो कुछ बातों से हमें यह जान लेना जरूरी है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। उसे करने के अलग अलग 4 स्कूल, या यूं कहेंगे अलग अलग चार 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 अलग अलग विद्वानों के द्वारा 4 पद्धतियों से किस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली का गठन किया जा सकता है, और ये प्रक्रिया कैसी है, इस प्रक्रिया में 4 अंग कौन से हैं, 4 चरण कौन से हैं, अब हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब तक जो कुछ हमने देखा उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि व्यवसाय और विज्ञान की क्रांति पाश्चात्य देशों में हुई, विज्ञान की क्रांति भी, व्यवसाय की क्रांति भी, और तकनीकी क्रांति भी पाश्चात्य देशों में हुई, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह हुए, और उनका ज्ञान अनेक विद्या शाखाओं में उच्च स्तरीय पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भी हुआ। मतलब देखिए कैसे हुआ कि एक और वहां नए नए आविष्कार होते गए, नई नई कल्पनाएं आती गई, नई नई संकल्पनाएं आती गई, नई नई अवधारणाएं आती गई, और इन नई नई अवधारणाओं के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त हुआ, और नए ज्ञान के लिए उनके पास नए शब्द गढ़ने की इच्छा उन्हें हुई या जरूरत पड़ी, और धीरे धीरे उन्होंने फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, या जिसे पूर्वकाल में लैटिन कहा जाता था, ऐसी भाषाओं के, पुरातन भाषाओं के शब्दों को एकत्र करके नए शब्द गढ़ना आरंभ कर दिया। अब देखिए, हम तो एक स्वतंत्र राष्ट्र हो चुके हैं, 15 अगस्त 1947 में हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हो चुके हैं, अंग्रेजों की 2 सदियों की गुलामी हमने निकाल कर फेंक दी, और इस कारण हमें अब अंग्रेजी भाषा पर नहीं, हमारी भाषा पर अवलंबित रहने की या आत्मनिर्भर रहने की आवश्यकता है। यानी हम अन्य भाषाओं की जगह एतद्देशीय भाषाओं पर, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, गुजराती है, बंगाली है, हिंदी है, सिंधी है, कश्मीरी है, डोगरी है, संथाली है, बोडो है, ये जो सारी भारतीय भाषाएं हैं, इन भाषाओं पर आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी अब हमारी राष्ट्रभाषा नहीं रही,
भले ही राजभाषा के रूप में आज वह सहराजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही हो, परंतु हमें हमारी भाषाओं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की भाषा या अभिव्यक्ति, चाहे वो भाषाई अभिव्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र की हो, कला के क्षेत्र की हो, विधि के क्षेत्र की हो या किसी अन्य क्षेत्र की हो, उसकी अभिव्यक्ति में हमारी भाषाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। इस कारण हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने भारतीय पारिभाषिक शब्दावली गठन करने का प्रयास किया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का नाम आता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज भले ही अंग्रेजों के गुलामी से पहले थे, मतलब मुगलों के काल में थे, परंतु फिर भी उन्होंने प्रशासकीय शब्दावली में जो अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू के शब्दों का प्रयोग हो रहा था, उनकी जगह संस्कृत उद्भव मराठी और हिंदी शब्दों का प्रयोग करना आरंभ किया, और उन्होंने बाकायदा अपने एक आमात्य रामचंद्र पंत और ढूंढीराज से नए शब्द गढ़वा लिए, जो लगभग 1,350 शब्द उन्होंने नए बनवा लिए थे। उनके बाद हम देखते हैं कि कर्णपुर के महाराज दलपति राय ने भी ये प्रयास किया, और उनके बाद सयाजी राव गायकवाड़ ने भी ये प्रयास अपने बड़ौदा इस संस्थान में किया। परंतु देखिए कि ये जब ये इस प्रकार के शब्दों का गठन हो रहा था, तो देश स्वतंत्र होने पर यह एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई कि ऐसे पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में हमें कौन सी भाषा स्रोत भाषा के रूप में या सोर्स लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त करनी है। यानी विद्वान बड़े विचित्र होते हैं, मतलब विद्वान छोटी छोटी बात पर इतना वाद विवाद करते हैं, और ये वाद विवाद जरूरी भी है क्योंकि शास्त्र कहते हैं वादे वादे शुजायते तत्वबोधः, क्योंकि वाद विवाद करते ही कुछ नया बोध प्राप्त होता है, कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वाद विवाद चलो हुआ, और लगभग इन विद्वानों के चार अलग अलग वर्ग हो गए। पहला वर्ग वह था जिन लोगों को संस्कृत यह स्रोत भाषा चाहिए थी, संस्कृत स्रोत भाषा चाहिए थी, जो शिवाजी महाराज ने प्रयास किया, जो सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रयास किया, जो दलपति राय ने प्रयास किया, जो बाद में महर्षिदानंद सरस्वती ने प्रयास किया, स्वामी श्रद्धानंद ने प्रयास किया, डॉक्टर रघुवीर ने प्रयास किया। तो ये सारे लोग थे जिन्हें ये लगता था कि भारतीय पारिभाषिक शब्दावली की स्रोत भाषा संस्कृत भाषा चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में नए शब्द निर्माण की क्षमता है, 20 लाख शब्द उसमें से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कि इन्हीं लोगों को जो संस्कृत भाषा का पक्ष लेने वाले थे, उन्हीं को संस्कृतवादी कहा जाता है, उन्हें ही सांस्कृतिकवादी भी कहा जाता है, उन्हें ही पुनरुत्थानवादी कहा जाता है या राष्ट्रवादी कहा जाता है। चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे पुनरुत्थानवादी हो, चाहे सांस्कृतिकवादी हो, चाहे संस्कृतवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, ये सारे लोग संस्कृत को सोर्स भाषा बनाना चाहते थे, स्रोत भाषा बनाना चाहते थे नए पारिभाषिक शब्दों के गठन के लिए। अब देखिए कि जैसे इन लोगों ने विचार किया, तो कुछ लोगों ने ये भी विचार किया कि इस समय, मतलब उस समय जब ये पारिभाषिक शब्दावली के गठन की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय ज्यादातर ज्ञान अंग्रेजी भाषा में था, खास करके विज्ञान का जो ज्ञान था, चाहे वो रसायन शास्त्र का हो, चाहे भौतिक शास्त्र का हो, चाहे गणित का हो, चाहे जीव शास्त्र का हो, या उससे बनी हुई अन्य विभिन्न ज्ञान शाखाओं का ज्ञान, के ये सारा अंग्रेजी में था। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डॉक्टर रघुवीर स्वामी श्रद्धानंद जी वगैरह का विरोध करते हुए कहा कि जो नए शब्द गढ़ने हैं या नए शब्द हमें विज्ञान की पढ़ाई में लेने हैं, वो हम अंग्रेजी से लें, क्योंकि उस समय का बहुत सा ज्ञान अंग्रेजी में ही था, अंग्रेजी में ही पढ़ाया जा रहा था, अंग्रेजी में ही पुस्तकें छप रही थी। और इसमें दो बड़े नाम आ जाते हैं, एक हैं डॉक्टर मेघनाद साहा और दूसरे डॉक्टर बीरबल साहनी। अब मेघनाद साहा और बीरबल साहनी दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं, इसलिए उन्होंने जिस सोर्स लैंग्वेज का, जिस स्रोत भाषा का प्रयोग भारतीय पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने में किया,
वो अंग्रेजी थे, इसीलिए उन्हें अंतरराष्ट्रीयतावादी भी कहा जाता है। जैसे संस्कृतवादी जो थे वो राष्ट्रवादी कहे जाते थे, लेकिन जो जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के तौर पर करना चाहा, उन्हें अंतरराष्ट्रीयतावादी कहा जाता है। इसमें दो नाम मैंने अभी कहा, डॉक्टर मेघनाथ शाह और डॉक्टर बीरबल सहनी, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान थे। इनमें से मेघनाथ शाह का तो नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है विज्ञान का। तो देखिए कि ये भी बहुत जरूरी है। मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि अगर प्राणवायु यह शब्द हम ऑक्सीजन के लिए प्रयोग करते हैं, तो मराठी वाले प्राणवायु करेंगे, हिंदी वाले ओक्सीजन करेंगे, और अंग्रेजी वादी जो थे डॉक्टर मेघनाथ शाह और डॉक्टर बीरबल साहनी जैसे, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन शब्द लेने में हर्ज क्या है, क्योंकि अब तक भारतीय भाषाओं ने अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द ग्रहण किए हैं। आपको पता भी नहीं होगा, आपके घर में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उनमें से अधिकांश शब्द विदेशी भाषाओं के होंगे। जैसे उदाहरणार्थ चाकू, अननस, कपाट, अलमारी, ये सारे के सारे शब्द तुर्की पुर्तगाली भाषाओं के हैं और हमें पता ही नहीं। यहाँ तक कि अचार, जिसको हम मराठी में लुणचा कहते हैं, उसको संस्कृत में व्यंजन कहा जाता था, लेकिन ये अचार शब्द ये पुर्तगाली भाषा का आया हुआ है। यानी उसी प्रकार हम ऑक्सीजन शब्द भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या आफत आएगी, ऐसा मान करके ना अंतरराष्ट्रीयतावादी लोगों ने अंग्रेजी के शब्दों को खास करके विज्ञान के विषयों के लिए प्रयुक्त करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि पारिभाषिक शब्दावली यह अंग्रेजी को स्रोत भाषा के रूप में, सोर्स लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे थे, वे कहते थे कि संस्कृत भी नहीं चाहिए, अंग्रेजी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कृत कुछ सामान्य असामान्य विशेष लोगों के, गिने चुने मुट्ठी भर लोगों की भाषा थी, और अंग्रेजी भी प्रायः वही, क्योंकि अंग्रेजी भले ही राजकाज की भाषा हो, भले ही न्याय की भाषा हो, विधि की भाषा हो, ज्ञान की भाषा हो, लेकिन सर्वसामान्य भारतीय लोगों के लिए आज भी अंग्रेजी एक पहेली बनी हुई है। इसलिए कुछ लोगों ने, खास करके उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुछ लोगों ने ये कहा कि हम हिंदुस्तानी में या उर्दू में पारिभाषिक शब्द बना सकते हैं, तो बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कुछ लोगों ने ये प्रयास भी किया, जिनमें जफर हुसैन, पंडित सुंदरलाल जैन, उस्मानिया विश्वविद्यालय, और यूं कहेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी कुछ लोगों का समावेश था। उन्होंने ये कहा कि हमें उर्दू के शब्द गठन करने चाहिए, लेकिन उर्दू भाषा स्वयं एक कृत्रिम भाषा है। जो फारसी भाषाएं, फारसी, तुर्की, अरबी, इन भाषाओं के शब्दों और लिपि को लेकर के हिंदी में घुल मिल गई है, इसलिए इसमें कोई नए शब्द निर्माण होने की शक्यता नहीं थी, संभावना नहीं थी। उदाहरण के रूप में ट्यूबलाइट के लिए प्रकाश नलिका, यह संस्कृत वालों ने शब्द दे दिया और उर्दू वालों ने शब्द दिया चमचम। अब इस चमचम का अर्थ क्या होता है? चमचम नाम का तो एक खाद्य पदार्थ भी होता है मीठा सा, इसलिए उर्दू वालों का उतना नहीं चला। अब देखिए कि संस्कृतवादी पहले क्रमांक पे थे, नंबर दो पे अंग्रेजी वादी थे, नंबर तीन पे उर्दू वादी या देशी शब्दों को ग्रहण करने वाले थे। अब ये तीनों भी अतिवाद में रंजित थे, मतलब संस्कृत के शब्दों का यथावत प्रयोग करना ये भी कठिन था, अंग्रेजी के शब्दों को जैसा का वैसा प्रयोग करना ये भी कठिन था, उर्दू में तो नए शब्द निर्माण की कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसे में करें तो क्या करें? इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, आज भी वो नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, उसके अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के बनाए हुए शब्द इन तीनों का समन्वय करते हैं। मतलब उसमें संस्कृत के भी शब्द हो कोई हर्ज नहीं, अंग्रेजी के भी शब्द हो कोई हर्ज नहीं, उर्दू या इतरदेशीय भाषाओं के शब्द हो कोई हर्ज नहीं। इस प्रकार से उन्होंने ये चार जो गुट बने थे, तीन गुट बने थे, इन तीनों गुटों का समन्वय करके केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया, और उस आयोग के अंतर्गत जितने विद्वान थे उन्होंने उपरोक्त तीनों, अर्थात राष्ट्रवादी या संस्कृतवादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी या अंग्रेजीवादी, देसीवादी या उर्दूवादी,
इन सभी लोगों के मंतव्यों का समन्वय करके एक समन्वित रूप से, एकत्रित रूप से नई पारिभाषिक शब्दावली, भारतीय पारिभाषिक शब्दावली गठन करने का प्रयास किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप ध्यान दें कि जब भी हम किसी नए ज्ञान क्षेत्र में, नए विद्या क्षेत्र में नई अवधारणाओं, नई संकल्पनाओं का चयन करते हैं तो उनके लिए नए शब्द करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस बहुत जरूरी के कारण ही हमें नए शब्दों के गठन के उपरांत इस बात का पता चलता है कि वह शब्द कितना लोगों में रूढ़ होगा। यानी हो सकता है कि अगर राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा प्रयुक्त किए गए बहुत सारे संस्कृतोद्भव शब्द हैं या संस्कृत के शब्द हैं जिनका प्रयोग जनसामान्य में नहीं होता, जैसे उदाहरण के रूप में है टाई, टाई आती है अंग्रेजी में, टाई के लिए डॉक्टर रघुवीर ने एक शब्द दिया था कंठ लंगोट। अब ये शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकते क्योंकि कंठ में लंगोट ये थोड़ा सा विचित्र स्थिति हो जाती है। इसलिए कुछ भोंडे शब्द जो होते हैं, जो सही सही अर्थ प्रकट नहीं करते, जो अर्थ प्रकट करते समय अपनी अर्थ परिधि का उल्लंघन कर जाते हैं, ऐसे शब्द चाहे संस्कृत के शब्द हो उनको हटाना पड़ेगा, चाहे अंग्रेजी के शब्द हो चाहे अन्य शब्द हो। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी आपके कि ये जो चार संप्रदाय थे, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रीयतावादी, देशीवादी और समन्वयवादी, इनमें से समन्वयवादी सर्वश्रेष्ठ है। वो किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं करता। मतलब जैसे संस्कृतवादी ये कहते थे कि स्रोत भाषा के रूप में हमें संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ये दुराग्रह था। ये अंग्रेजीवादी कहते थे कि अंग्रेजी के ही शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, ये भी दुराग्रह था। उर्दू वाले जो कहते थे उर्दू का प्रयोग हो तो ये भी दुराग्रह था। दुराग्रह की जगह वैज्ञानिक दृष्टि से, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, शब्द गठन की दृष्टि से अधिक अच्छा और सुगम मार्ग, समन्वयवादी जो मार्ग था उसको स्वीकार करना अत्यंत जरूरी था। इसलिए समन्वयवादी लोगों ने, विशेष करके वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने बनाए हुए शब्द ये समन्वित मार्ग से हैं। अब देखिए जिन जिन लोगों ने ये प्रयास किए उनमें व्यक्तिगत प्रयास भी थे और संस्थागत प्रयास भी थे। संस्थागत प्रयासों में नागरी प्रचारिणी सभा काशी और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, उसके बाद आर्य समाज वगैरह, बहुत सारी संस्थाओं ने नए शब्द गठन का प्रयोग किया। गुरुकुल कांगड़ी ने प्रयोग किया लेकिन वो सारा संस्कृत निष्ठ था इसलिए उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं दिया। आज भी संस्कृत के बनाए हुए हजारों शब्द बनाकर रखे लेकिन लोगों में प्रचलित नहीं, इसलिए उसका कोई प्रयोग नहीं होता। अब देखिए कि जब हम किसी नए पारिभाषिक शब्द जो विदेशी भाषा में है, स्रोत भाषा में है, उसको हमारी भाषा में, हमारी लक्ष्य भाषा में, हमारी हिंदी या मराठी में या भारतीय भाषाओं में नया पारिभाषिक शब्द, पर्यायवाची शब्द हमें देना है, नया पर्याय देना है शब्द के रूप में, तो हमें क्या करना है, उसकी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, साधारण प्रक्रिया नहीं है ये, क्योंकि इसका गठन सर्वसामान्य लोग नहीं करते, भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक और उस विषय के विशेषज्ञ लोग करते हैं। तो इसके चार चरण होते हैं, मतलब पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण में चार चरण होते हैं। पहला चरण होता है चयन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा संचयन और चौथा होता है महत्वपूर्ण बात, निर्माण, नए शब्द का निर्माण। अब देखिए इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की प्रक्रिया में प्रथम चरण होता है चयन, मतलब जिस संकल्पना या अवधारणा के लिए नया शब्द गढ़ना है उसका पहले चयन किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम विज्ञान की किसी एक संकल्पना को, हम लें, जैसे जैसे ऑक्सीजन, या फिर हो सकता है कि एसिडिफिकेशन शब्द है, एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन इस संकल्पना के लिए उसको पहले ग्रहण करना चाहिए, वो समझ लेना चाहिए उसका अर्थ क्या होता है, उस संकल्पना में का तात्पर्य क्या होता है। इस पर विचार करने पर वो अंतरराष्ट्रीय शब्द है तो उसकी व्युत्पत्ति कैसे है उस पर ध्यान दें। मतलब एसिडिफिकेशन, इसमें
फिकेशन एक शब्द है और एसिड एक शब्द है, एसिड और आय और फिकेशन इस प्रकार का शब्द है। तो शब्द कैसे, उसमें ग्रीक है, लैटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, कौन सा मूल शब्द है, इस पर ध्यान दें, और उस मूल शब्द का मूल अर्थ क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए चयन करने के उपरांत। अब देखिए कि वैज्ञानिक अवधारणा के लिए जो अंग्रेजी शब्द या जर्मन शब्द या लैटिन शब्द या ग्रीक शब्द या फ्रेंच शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उसका पहले चयन करें, उसके मूल के शब्द देखें, उस शब्द में मूल शब्द क्या है, उस शब्द में मूल शब्द किस भाषा का है, क्योंकि अंग्रेजी स्वयं एक ऐसी दरिद्री भाषा है कि जिसके पास अपने 10,000 शब्द भी नहीं है। तो अंग्रेजी प्रायः अपनी अभिव्यक्ति के लिए, खास करके वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र की अभिव्यक्ति के लिए, या तो वो फ्रेंच पर निर्भर रहती है, या लैटिन पर, या जर्मन पर, या ग्रीक पर। तो उसका मूल शब्द, चाहे वो ग्रीक हो, लैटिन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, या रूसी शब्द हो, उस शब्द का मूल अर्थ समझ लेना चाहिए, और फिर उस विदेशी शब्द का चयन करने पर चयनित उसके समांतर हमारी भाषा का शब्द होना चाहिए। जैसे एसिड के लिए हमारे भाषा में समतुल्य शब्द है आम्ल, तो एसिडिफिकेशन के लिए आम्लीकरण यह शब्द सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए कि उसका समतुल्य शब्द कोई है क्या। आप देखिए उदाहरण के रूप में सल्फर नाम का एक रसायन है। अब सल्फर नाम का जो रसायन है, पहले हम सल्फर इस शब्द का भारतीय रसायन विज्ञान में, प्राचीन रसायन विज्ञान में उसके लिए कोई शब्द इस्तेमाल होता था क्या। देखिए अगर नहीं होता था तो सल्फर जैसा का वैसा रख दो, अगर होता था, होता भी था, गंधक, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए गंधकाम्ल इस शब्द का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्राचीन रसायन विज्ञान में पहले ही सल्फर के लिए गंधक शब्द का इस्तेमाल होता था, तो उसी शब्द का हमने इस्तेमाल कर दिया। अब यह हुआ उसका चयन करना और उसके लिए प्रतिशब्द देना। कभी कभी क्या होता है, प्रतिशब्द हम दे नहीं सकते, इसलिए मूल शब्द का अनुकूलन किया जा सकता है। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का शब्द का अनुकूलन करके हमने इसे हिंदी में अस्पताल कर दिया, मराठी वालों ने इस्पितळ कर दिया, एकेडमी का अकादमी कर दिया। इस प्रकार से मूल शब्द को उच्चारण जैसा का वैसा रखते हुए उसके लिए नए शब्द गढ़ने की प्रक्रिया की गई। अब देखिए अकादमीय शब्द भले ही अंग्रेजी के एकेडमी शब्द का सुलभ भारतीय रूपांतरण है या उच्चारण है, लेकिन अकादमी शब्द का इस्तेमाल करने पर अंग्रेजी वाले भी समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा शब्द, क्योंकि उन्हें अकादमी शब्द सुना नहीं, उन्हें तो एकेडमी शब्द सुना है। केवल नाम साधर्म्य, उच्चार साधर्म्य की दृष्टि से वैसा का वैसा अर्थ देने वाले शब्द भी यहाँ आ जाता है। एक उदाहरण के रूप में अंग्रेजी में एक शब्द है थम्बलर। थम्बलर शब्द का अर्थ होता है ऐसा पात्र जिसको तर्जनी और अंगूठी से उठाया जाए, थम्बलर इस प्रकार से, थम्ब और ये इस प्रकार से थम्बलर। अब थम्बलर शब्द के लिए हमारे पास पहले पात्र शब्द था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका भी देशीकरण या यूं कहेंगे कि अनुकूलन हमारी भाषा में करने का प्रयास किया, मराठी में उसके लिए शब्द बन गया टमराड़। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नए शब्द भी अनुकूलित करके, मतलब स्रोत भाषा के शब्दों का अनुकूलन करके, उन्हें ग्रहण उनका अनुकूलन करके हमारी भाषा में वो प्रयास भी किया जाता है। तो चयन के बाद दूसरा चरण आ गया जिसको हमने अनुकूलन कहा। अब अनुकूलन, अब देखिए कुछ शब्दों की बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि गृहित किए शब्दों का अनुकूलन करके हमें हमारी भाषा की तरह उसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल भारतीय न हो करके हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे अननस, चाकू, अलमारी, कारतूस वगैरह, ये सारे शब्द विदेशी हैं, या तो फ्रेंच हैं या फिर पुर्तगाली शब्द हैं ये। इन कारतूस यह फ्रेंच शब्द है, अलमारी यह पुर्तगाली शब्द है, अनानास चाकू ये भी शायद पुर्तगाली शब्द हैं, और ये पुर्तगाली, डच या फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम चाकू शब्द का सही सही इस्तेमाल करते हैं। चाकू के लिए हमारे पास शब्द था छुरी, लेकिन छुरी का शब्द लगभग छुरिका का शब्द न करते हुए, इस्तेमाल न करते हुए हमने
चाकू शब्द का इस्तेमाल किया। अलमारी के लिए हमारे पास कपाट शब्द था पहले से, लेकिन अलमारी शब्द का हम बहुत आए दिन प्रयोग कर लेते हैं। साथ ही साथ अननस, ये फल हमारी ओर था ही नहीं पहले, तो इस शब्द का जैसा का वैसा हमने इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का भी हमने अनुकूलन कर लिया है, और अंग्रेजी ने भी हमारे बहुत सारे शब्द लिए हैं, जैसे सलाम शब्द। सलाम शब्द जो उर्दू का था, वो अंग्रेजी ने जैसा का वैसे लिया हुआ है। इतना ही नहीं, अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका मूल भारतीय भाषाओं में प्रयोग होता था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजी शब्दकोश के महत्वपूर्ण शब्द बन गए। तो इस प्रकार देखते हैं कि अंग्रेजी हो या कोई अन्य शब्द हो, उसका अगर हमें हमारी भाषा में प्रयोग करना है तो उन शब्दों का अनुकूलन करना भी आवश्यक है। वो शब्द चाहे जैसा का वैसा इस्तेमाल करो, या फिर हमारे उच्चारण के अनुरूप उसे थोड़ा सा बदल करके भी हमारी भाषा में आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा चरण आता है, देखिए चयन और अनुकूलन के बाद तीसरा शब्द आता है, वो है संचयन। ऐसे शब्द जो चयनित किए गए हों, ऐसे शब्द जो अनुकूलन की अनुकूलित की गए हो, उनका संग्रह बनाना चाहिए, उनका संचयन करना चाहिए। तो ये तीसरा चरण है। और चौथा चरण वो होता है जब आपको किसी भाषा के शब्दों का आप चयन भी नहीं कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार से उसका अनुकूलन भी करने नहीं आ रहा है, आप उसका संचयन करने की तो अलग बात है, तो नए शब्द निर्माण करो। तो चौथा चरण है निर्माण करना। जैसे संगणक शब्द ये हमने ले लिया है, टू कंप्यूट मतलब गणना करने वाला, ऐसा कह उसको संगणक हमने बना दिया। लेकिन संगणक तो कैलकुलेटर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी गणने की प्रक्रिया है, कैलकुलेशन करने की प्रक्रिया है। इसलिए हमारे एक हिंदी विद्वान ने कंप्यूटर के लिए एक नया शब्द गढ़ा, संपादयित्र, क्योंकि इस पर अनेक कामों का संपादन होता है। तो इस प्रकार से नए शब्द भी गढ़े जा सकते हैं, नए शब्दों का भी निर्माण हो सकता है। जैसे मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि ब्लैक बोर्ड के लिए कृष्ण फलक, डस्टर के लिए प्रोक्षण, या चॉकपीस के लिए सुधाखंड, इस प्रकार के शब्दों का भी नवनिर्माण किया जा सकता है। अब देखिए कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि एक बार शब्द का चयन करो, चयन करने के बाद जैसा का वैसा इस्तेमाल होता है तो करो, या फिर उसको अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप उसका अनुकूलन करके हमारी भाषा में प्रयोग करो, और उसके बाद इन शब्दों का संचयन करो। फिर भी नए शब्द के लिए कोई प्रतिशब्द न हमें चयन से मिल रहा है, न अनुकूलन से मिल रहा है, न संचयन से मिल रहा है, तो नया शब्द निर्माण करो। इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए अगले आने वाली तासिका में, कल परसों की तासिका में, हम और भी अधिक डिटेल में जाकर के इसकी चर्चा करेंगे। और आपके पाठ्यक्रम में जो विशिष्ट शब्द दिए गए हैं, कुछ वनस्पति शास्त्र के शब्द हैं, कुछ ऑफिस के शब्द हैं जिसको हम प्रबंधन के शब्द कह सकते हैं, प्रशासन के शब्द कह सकते हैं, कुछ ज्ञान विज्ञान शाखाओं के शब्द हैं, इन सभी शब्दों को हम आपको लिखवाएंगे, आपको देंगे, उसकी फोटोकॉपी बनाकर आपके ग्रुप पर डाली जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक नया भाग हम आरंभ कर चुके हैं, इसको और भी अधिक देखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे 5 मिनट ने 10 मिनट ज़्यादा हो गए मेरे कहने से, क्योंकि आगे मुझे परीक्षा में शामिल होने जाना है। फिर भी आज हम यहीं रुक जाते हैं। सबके लिए धन्यवाद। और इसकी YouTube लिंक आज शाम तक, क्योंकि आज मुझे दूसरे काम है, आज शाम तक इसी तासिका की YouTube लिंक मैं आपके समूह पर, व्हाट्सएप समूह पर डाल दूंगा। उसको बार बार देखें, उसको बार बार समझें, उसके नोट्स निकालें, तो आपका अध्ययन और भी गहरा होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। जय हिंदी, जय नागरी।